हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ अपना रूटीन कि यू नो नॉर्मली वेंसडेज को आई वर्क ओनली हाफ डे। सो और जहाँ पे मेरा ऑफिस है वहाँ पे बहुत सारी एक्साइटिंग चीज़ें हैं बिकॉज इट्स लाइक द हार्ट ऑफ वैंकूवर डाउनटाउन। सो मैं ऐसे ही कुछ यू नो शॉपिंग या आई रन सम एरंड्स। सो आज मैं आपको लेके जाती हूँ कि मैं क्या क्या करने वाली हूँ। एंड इट्स अ नाइस डे टुडे, सो लाइक बहुत ज़्यादा ठंड भी नहीं है और बहुत ज़्यादा गर्मी भी नहीं है। एंड मैं आपको दिखाती हूँ बस आज कि मेरे ऑफिस के पास क्या है और मैं क्या क्या ऐसे यू नो मस्ती करती हूँ जब मेरा ऑफ डे होता है। एंड आई शो यू व्हाट आई एम वेयरिंग। सो आई एम वेयरिंग दिस वेरी नाइस स्ट्राइट लाइक अ क्वाड सेट एंड आई पुट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन वेर आई गॉट दिस फ्रॉम। एंड लेट्स सी कि वेयर वी आर हेडिंग। सो गाइज, ये है पैसिफिक सेंटर, मेरे ऑफिस के बहुत ही पास है। एंड जस्ट लुक एट दिस, दिस इज लाइक माई फेवरेट स्टोर एवर। सो आई एम जस्ट हेडिंग टू सेफोरा एंड आई विल जस्ट शो यू अराउंड। सो एज आई टोल्ड यू इन माई लास्ट व्लॉग, आई जस्ट टेक यू टू अ टूर ऑफ सेफोरा एंड आई जस्ट नीड टू बाई सम गुडीज। सो लेट्स सी। मुझे आज बेसिकली चाहिए एक ब्लश, मेरा ब्लश ख़त्म हो गया है। सो आई एम जस्ट गोइंग टू बाई दैट। सो देखते हैं, ऐसा मेरे माइंड में कुछ नहीं है कि मुझे इसी ब्रांड का लेना है। मैं फाउंडेशन के लिए और स्किन केयर के लिए थोड़ी पर्टिकुलर हूँ बट नॉट फॉर अ ब्लश। सो आई विल सी व्हाट ब्लशर विल आई बाय। सो आई थिंक ये प्राइमर तो मैं ले लेती हूँ। अगर देखते हैं सो क्या होता है ना सेफोरा में, जैसे यहाँ पे आपके सारे ट्रायल वाले प्रोडक्ट्स होते हैं और पीछे फ्रेश होते हैं, तो आप इसको ट्राई करो एंड फिर अगर आपको चाहिए तो उसको पीछे से उठा लो यहाँ से एंड देन यू कैन गेट इट बिल्ड। तो ये पूरा ख़त्म हो चुका है। देखो इस पर लिखा हुआ ना ट्राई मी, तो ये सैम्पल्स होते हैं सारे। फोकस ले ले भाई। हाँ ये देखो, ये है। सो इट्स लाइक अ लुक्स लाइक अ वेरी नाइस प्राइमर। सो आई थिंक आई एम गोना बाय इट, आई विल टेक दिस हाइड्रो प्राइमर। दिस इज फॉर $24 बट टोटली वर्थ इट बिकॉज इट कीप्स योर मेकअप इंटैक्ट। लेट्स सी, दिस इज टू फेस्ड। सो ये वाले कंसीलर्स के बारे में भी बहुत सुना है हमने, यू नो दीज आर वेरी नाइस कंसीलर्स बट अगेन दिस इज़ नॉट नेचुरल और वीगन सो आई डोंट यूज दीज। और दिस फेस पैलेट इज़ नाइस, ये सारा टार्ट कॉस्मेटिक्स है। ओके दिस इज़ ऑल्सो क्लीन एट सेफोरा। ओके सो दिस इज़ टार्ट का नेचुरल रेंज। ओके आई सी दिस। सो I think this is the highlighter thing. ये है $38 के एंड लेट्स सी इफ दीज आर क्लीन। आई डोंट नो, यहाँ पे हैं सारे मिनीज, आप ले सकते हो सब चीज़ों के। ये आपके मस्कारा वगैरह हैं, वी कैन सी मोर मिनीज देयर। दिस इज बम बम क्रीम। ओके ये मैं यूज करती हूँ, ये बहुत अच्छा है एज अ टोनर।
मैं बहुत ज़्यादा केमिकल प्रोडक्ट्स नहीं यूज़ करती, सो इसके बारे में बहुत सुना है, बट आई एम नॉट श्योर इफ आई वांट टू बाय इट राइट नाउ. ड्राई शैम्पू होता है ये गाइस, इंडिया में मिलता है ये ड्राई शैम्पू है, सो यू जस्ट स्प्रे इट. So basically, if you don't want to like invest in the full bottle, you can go for these sachets. These are easy on the pocket and you can try them out. So this is for $8.50. Ye raha. This is my favorite blush. This one. Oh, this is setting powder. ये है ना NARS mini orgasm blush, ये बहुत अच्छा है blush. I think ये out of stock ही होगा वैसे तो. Let's see. Oh, it's here. काफ़ी सारे हैं. ये बहुत अच्छा है guys. So I think I might just go ahead with this. ये मेरा favorite है और आप काफ़ी vlogs देखोगे. ये this is like a very nice blush. इसका color दिखा देती हूँ आपको अभी. These are lipsticks. These are some masks there. So guys, ये Morphe के हैं and I think I'll try this blush. ये बहुत पाउडरी पाउडरी है, सो आई एम नॉट टेकिंग दिस. इसको देखती हूँ, ये ब्लश बाम है. नो 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 नो, आई डोंट लाइक इट गाइस. स्किन केयर के लिए ये बहुत अच्छा ब्रांड है. एंड अगेन दिस इज क्लीन एट सफोरा, सो दिस इज लाइक वीगन एंड वेरी लेस केमिकल्स. गाइस दिस इज अ वेरी नाइस ब्रांड एंड इसका प्राइमर मैंने देखा था कि बहुत उसके अच्छे रिव्यूज हैं. सो लेट्स सी if we have like a primer for this available here. इसका ये स्किन केयर है सारा, राइस वॉश. मैंने इसका ये क्रीम यूज़ किया, बहुत अच्छा है. सो दिस इज़ फॉर लाइक $90. अच्छा था ये क्रीम. ओ ये रहा लिक्विड सिल्क कैनवस टाचा, या ये प्राइमर है. दिस इज़ फॉर $70. लेट्स सी, आई एम नॉट श्योर इफ आई वॉन्ट टू इन्वेस्ट इन दिस राइट नाउ, क्योंकि मैं मिल्क के ही यूज़ कर रही हूँ प्रोडक्ट्स. सो आई थिंक आई गो विद दिस हाइड्रो प्राइमर राइट नाउ. सो गाइस पता है क्या होता है, जीरो केमिकल तो आई डोंट थिंक कुछ होता है. मेरे को ब्लश लग गया. जीरो केमिकल तो आई डोंट थिंक कुछ होता है, बट हाँ आप ट्राई कर सकते हो कि आप लेस केमिकल्स वाली चीज़ें लो. सो क्लीन एंड क्लीन एट सफोरा इज द थिंग. तो आपको क्या करना होता है, आपको ये वाला यू हैव टू लुक एट दिस टैग विच इज़ द ग्रीन वन विच सेज क्लीन एट सफोरा. So all these products are basically like chemical free. So yeah. And guys, most of the time मैं जो अपने videos upload करती हूँ या reels वगैरह पे ना, सब पूछते हो आप लोग मुझसे कि your hair are so good. तो actually इसमें लग रहे हैं, मतलब अच्छे हैं, ठीक है चलो, but they're very dry. So I only use Kerastase. It's very good. Super expensive, but it's very good. मैंने काफ़ी सारे products try किए हैं, लेकिन आई ऑलवेज कम बैक टू Kerastase बिकॉज दैट इज़ द ओनली शैम्पू रेंज दैट सूट्स माई हेयर, जिससे वो थोड़े मैनेजेबल लगते हैं. बट आई जस्ट वॉन्ट टू टॉक टू द पीपल हेयर एंड आस्क देम कि कोई और भी है जो उसके जैसा है. सो आई वॉन्ट टू ट्राई अ डिफरेंट कंडीशनर. दिस टाइम मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं अभी करंटली क्या यूज़ करती हूँ. सो अभी करंटली मैं यूज़ करती हूँ ये वाला शैम्पू Kerastase का. $50 का है, बट एक दो महीना चल जाता है. एंड आई हैव टू इन्वेस्ट इन अ kind of a mask या फिर this thing conditioner right now. मैं ये भी use करती हूँ इसका Elixir Ultime का जो ये है serum, और ये night repair है basically, night serum for the hair. ये बहुत अच्छा है, मैं use करती हूँ. हाँ थोड़ा सा heavy on the pocket है, but very nice. This is the most sought after Dyson range.
ये कितने का है, 549 का है. मैं इसके रिव्यूज वगैरह पढ़ूंगी एंड देन आई माइट इन्वेस्ट इन दिस. सो गाइस, ले लिया मैंने अपना सामान सफोरा से. काफ़ी टाइम से मैं वेट कर रही थी, मैं प्राइमर ले ही नहीं पा रही थी क्योंकि मैं कंफ्यूज थी कि कौन सा लूँ. मैक का प्राइम एंड फिक्स मुझे बहुत अच्छा लगता है, बट इस टाइम मुझे लगा कि जो मैं प्रोडक्ट्स यूज़ कर रही हूँ फाउंडेशन वगैरह के, उसी का प्राइमर लूँ. सो बस अब घर जाते हैं और रास्ते से मुझे लेनी है सब्जी. सो फ्रॉम सफोरा टू सब्जी, या क्योंकि आज मैं बनाऊँगी इडली सांभर, तो उसके अकॉर्डिंग मुझे सब्जी खरीदनी है रास्ते से. मेरे रास्ते में ही पड़ता है, तो आई जस्ट थॉट कि आपको भी लेके चलती हूँ. ओके गाइस, बस घर पहुँच गई हूँ और परसों एक शूट है मेरा, प्रोफेशनल शूट. और ये देखो फेस पे एक्ने हो गया. लेट्स सी. और चलिए अभी बस घर जा रही हूँ. पहले सोचा था सब्जी लेने जाऊँगी, लेकिन फिर मुझे याद आया कि घर पे हैं और मैं बहुत थक गई थी, तो मैं नहीं गई वो लेने के लिए. बस अभी घर जाके दिखाती हूँ आपको कि कैसे क्विकली मैं इडली सांभर बनाती हूँ, और उसके बाद आपको अपना रूटीन दिखाते हैं. ठीक है, लेट्स गो.